इस गिवन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन 25 में हमें बताना है आउटपुट y को a और b के टर्म्स में और क्या लिख सकते हैं अपन। तो उसको सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं अपने पुराने फॉर्मूले की तरह। a बच्चों यहाँ तक चल के आएगा और b को देखो नॉट गेट लगा है तो यहाँ हो जाएगा b का बार और इसका नाम है एंड गेट। तो ये क्या करेगा, a डॉट जो भी दो इनपुट्स हैं उनके बीच में डॉट लगा देगा। यहाँ पढ़ो ये भी क्या चीज़ लिखी है, एंड गेट ही है। तो a चल के यहाँ तक आ रहा है और इसकी वजह से हो जा रहा है a बार और यहाँ से बच्चों b चलकर आ रहा है। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, a बार डॉट b और ये इंसान और है, मतलब जो भी दो इनपुट आ रहे हैं ना इन दोनों को क्या करेगा वो ओरिंग कर देगा। तो लिख सकते हैं a डॉट b बार प्लस लगाया a बार डॉट b, ये बराबर हो रहा है आपके y के और ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। और अपन थ्योरेटिकली पढ़ के आते हैं ना बच्चों, तो ये एक्स और गेट भी है। अगर गेट पूछ लेता कि कौन सा गेट है तो आपका आंसर होता है एक्स और गेट है। एक्स और गेट में वाई अपन को याद होता है ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार और इसकी इक्वेशन और डायग्राम भी इस तरह ही बनता है। हालांकि ये तो पूछा नहीं गया है, आपको पूछा है वाई का एक्सप्रेशन कितना होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं।